भाई और बहनों, अपने संकल्पों के लिए निरंतर प्रयास गणेशोत्सव की उमंग और इसी माहौल में आज महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का श्री गणेश हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। मुंबई के बाद मेरा औरंगाबाद जाने का भी कार्यक्रम है, वहां भी अनेक परियोजनाओं की शुरुआत होगी। मैं विशेषकर मुंबई और उसके सब अर्बन इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम आज यहां शुरू हो रहा है। नई मेट्रो लाइन हो, मेट्रो भवन हो, मेट्रो स्टेशन में सुविधाओं का विस्तार हो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने का प्रोजेक्ट हो, ये सभी परियोजनाएं मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम तो देगी ही, यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाने में भी मदद करेगी। बांद्रा कुर्ला को एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट तो लाखों प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आएगा। बीकेसी तो बिजनेस एक्टिविटी का बहुत बड़ा सेंटर है, अब यहां आना जाना और आसान होगा, कम समय में हो पाएगा और अब तो मिनटों में मुंबई। हर कोई आवाज करता है मिनटों में मुंबई। इन सारी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुंबई वो शहर है जिसकी गति ने देश को भी गति दी है। यहां के परिश्रमी लोग, यहां के प्रोफेशनल्स, यहां की माताएं, बहनें, युवा, आप सभी लोग इस शहर से प्यार करते हैं, गर्व से कहते हैं मी मुंबईकर। 5 वर्षों में आमची मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। यहां फडणवीस जी की सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र के एक एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है ये मैं भली भांति जानता हूं। आज इन्हीं सब प्रयासों का ही असर है कि मुंबई में धीरे धीरे बदलाव आने की शुरुआत हुई। और मैं इससे सबसे सकारात्मक पक्ष ये देखता हूं कि वर्तमान के साथ ही भविष्य की जरूरतों, आने वाले दशकों की आवश्यकताओं के हिसाब से अभी से काम किया जा रहा है।